हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकृति की रसोई। आज मैं आपको कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको हरी सब्जियों को साल भर तक कैसे स्टोर करें इसका सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जिसको जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, मार्केट में सब्जियाँ महंगी मिलती हैं, तो जब सब्जियों का सीज़न होता है तो हम सब्जियाँ ले कर इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। और कभी कभी हमारे घर पर फंक्शन होता है तो सब्जियाँ भी ज़्यादा आ जाती हैं, तो बची हुई सब्जियों को आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। और हरी सब्जियों को साल भर स्टोर करने का ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए हम हरी सब्जियों को स्टोर करने का ये सीक्रेट तरीका जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मटर स्टोर करने का तरीका आपको बताऊँगी। जब भी आप मार्केट से मटर लाएँ तो उसका छिलका निकाल दें और दाने को अच्छी तरह से वाश कर लें, और वाश करने के बाद किसी भी जालीदार कंटेनर में रख दें ताकि उसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए। और फिर किसी भी पॉलीथीन में भर के आप फ्रीजर में रख दीजिए और साल भर एंजॉय करिए इस मटर का। फ्रीजर यानी फ्रिज का वो हिस्सा जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं, हमें वहीं रखना है। आप चाहें तो हरे मटर को बॉयल करके अच्छी तरह से और उसे पंखे के नीचे रख के उसका पानी सुखा के किसी भी पॉलीथीन में भर के उसे फ्रीजर में रख सकते हैं, तो इससे भी हमारा मटर साल भर तक आसानी से चल जाएगा। अक्सर फ्रेंड्स, जब भी हमें पनीर की सब्ज़ी बनानी होती है या मटर की कोई भी सब्ज़ी बनानी होती है तो हम मार्केट से पैकेट का फ्रोजन मटर ला के यूज करते हैं। वो भी हम जब भी लाते हैं तो देखते हैं ठंडा रहता है, फ्रीजर का रहता है, तो वो मटर भी ऐसे ही बॉयल करके पैकिंग करते हैं। तो आप जब भी करें इस तरह से करें तो आपका मटर ख़राब नहीं होगा और आप किसी भी मौसम में इसे बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मटर स्टोर करने का तरीका तो हमने जान लिया, अब हम हरी मिर्च को कैसे स्टोर करेंगे ये तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जब भी आप हरी मिर्च मार्केट से लाते हैं तो इसका जो डंठल होता है इसको तोड़ दें और अच्छी तरह से हरी मिर्च को वाश कर दें। वाश करने के बाद किसी भी पंखे के नीचे या फिर जालीदार कंटेनर में रख के सुखा दें ताकि इसमें का जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। और आप इसे भी किसी भी पॉलीथीन में डाल के अच्छी तरह से बंद करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, तो ये भी साल भर तक ख़राब नहीं होंगी और आप जब चाहें तब इसे यूज कर सकते हैं। अब हम करेली स्टोर करने का तरीका जानेंगे। तो करेली को भी हम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, बस करेली को हमें अच्छी तरह से वाश कर देना है ताकि इसमें का धूल मिट्टी जो होता है वो निकल जाए। धूल मिट्टी से हमारी सब्जियां जो है वो जल्दी सड़ने लगती हैं। और इसको अच्छी तरह से वाश करके कट कर देना है, और कट करने के बाद किसी भी पॉलीथीन में डाल के हम इसे भी फ्रीजर में साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। और सेम इसी तरह हमें पालक को भी अच्छी तरह से वाश कर लेना है। वाश करने के बाद हम इसे भी पंखे के नीचे सुखा देंगे ताकि इसमें का पानी जो है वो अच्छी तरह से सूख जाए। इसके बाद हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद हम किसी भी पॉलीथीन में डाल के इसे भी फ्रीजर में रख के हम साल भर तक इसे भी स्टोर कर सकते हैं। और जब भी पालक की सब्जी खाने का मन करे तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के हम बना सकते हैं। और धनिया की पत्ती को भी हम सेम उसी तरह से स्टोर करेंगे जिस तरह से मैंने पालक को स्टोर करना बताया है। फ्रेंड्स, धनिया तो हमारी सारी रेसिपीज़ में काम आती है, चटनी बनाने के भी काम आती है, तो धनिया को स्टोर करने का तरीका तो हमें पता होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से धनिया को स्टोर करें, और जब भी आपको रेसिपीज़ में डालनी हो तो आप निकालिए और यूज करिए। और टमाटर को भी हम सेम प्रोसेस से अच्छी तरह से वाश करके पॉलीथीन में डाल के इसे भी हम फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। कटहल की सब्ज़ी भी आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कटहल लाया है तो उसको छोटा छोटा काट लीजिए, काट के वाश करके पॉलीथीन में डाल के आप उसे भी साल भर स्टोर कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस से आप स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च भी स्टोर कर सकते हैं, और चिकन मटन भी आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये सब्ज़ी स्टोर करने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए बाय।